ओ वहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, दैट्स नाइस। ओह माय गुडनेस, व्हाट द हेल। बट आप गोवा में आए और आपको ये बियर बॉटल्स ना दिखे ना, तो मतलब आप गोवा में नहीं हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डांस विद मानसी ममता। तो मैं गोवा में रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे जगह पर जहाँ पर लोग आना चाहते हैं, वर्ल्ड फेमस है ये, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोग को दिखाऊँ थोड़ी सी झलक जो मुझसे हो सके। तो आज मैं आई हूँ स्टोन वाटर, बहुत ही फेमस है और So, यहाँ अभी ये का अपना इको कुछ शूट रिजॉर्ट करेंगे भी और बहुत ही अच्छा ये है। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आए तो यहाँ के इको रिजॉर्ट में ही रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हम सब इको जो है रिजॉर्ट है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये प्लेस दिख कैसे रहा है। ओके, इस वक्त मैं जहाँ पर रुकी हूँ ये वो रास्ता है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। हमें एकदम नीचे आना पड़ता है और ये पूरा आप देख सकते हो, तो ये सब इको रिजॉर्ट है जो कि उनका प्राइवेट प्लेस है। और ऐसे लोग होते हैं ना जो क्लब और इन सब से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट स्पॉट है, मैं ऐसा कहूँगी। यू सी दिस, मैं कहाँ आ रही हूँ, ये देखिए। बट हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? यू सी दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल, पर इसके नीचे कैसे जाना है वो रास्ता यहाँ से है, बट बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है जो कि हम इस वक्त कवर नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हम यहाँ का ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। और ये तो आने लायक ही प्लेस है यार, बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही कोजी सी और यू नो फैमिली वाली वाइब दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हम फिशिंग स्पॉट पे पहुंच गए हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आप देख रही है फिशिंग बोट रखी हुई है और उनके घर भी है फिशरमैन जो यहाँ पर है। मुझे सर्दी हो गई है, सॉरी फॉर माई वॉइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़। और जो भी हो यार, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, कितना कैजुअल, अगर यहाँ पर मैं डांस शूट करूँ तो कितना प्यारा वीडियो आएगा। वाह, ओह गॉड, आप गोवा में आए और आपको ये बियर बॉटल्स ना दिखे ना, तो मतलब आप गोवा में नहीं हैं। लिटरली हर जगह कोई भी ब्यूटीफुल स्पॉट मिल जाए ना और उसे अगर ख़राब करना है ना, तो बस भाई कुछ नहीं करना है आपको, बस बियर बॉटल्स यहाँ वहाँ फेंक देने निकाल के। लाइक लिटरली लोग क्यों करते हैं ऐसा, मैं समझ नहीं पाती। प्लीज़ मेंटेन द क्लिनलीनेस ऑफ दिस प्लेस। ये पानी यहीं पर है, ये तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा यार, इसमें से थोड़ी स्मेल भी आ रही है। ओह दिस इज सो ब्यूटिफुल, मैं नीचे तक जाती हूँ। ये लोकेशन देखिए कितना प्यारा है, ये पूरा स्टोन वाटर में ही आता है। और भी उस तरफ और जगह है स्टोन वाटर की, बट ये यहाँ पर रेत कम है, स्टोन ज़्यादा है, मे बी इसीलिए इसे स्टोन वाटर कहा जाता है। ओह माय गुडनेस, व्हाट द हेल, हम रास्ता ढूंढ रहे थे और इसका रास्ता तो यहाँ से है। अरे यार शिट, ये देखिए वी कैन गो फ्रॉम हियर, लाइक लिटरली वाओ। और हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमें ऊपर से कहीं से आना पड़ेगा, यार शिट, दिस इज सो नाइस। चलो चले क्या वहाँ पे, चलते हैं। यहाँ पर मछलियाँ होंगी क्या? हो सकती है, बट दिस इज़ रियली वेरी पीसफुल यार, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। और वो जो नहा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लहरें बड़ी नहीं हैं, तो मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्हें बड़ी लहरें नहीं पसंद है, जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, फिर डर लगता है उन्हें, उनके लिए ये फेवरेट स्पॉट है नहाने के लिए। और मैं तो यहाँ पर ज़रूर आऊँगी एक बार नहाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ लव। ओ वहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, दैट्स नाइस। चलो अब हम चलते हैं उस तरफ। ओके, हम दूसरी तरफ आ गए हैं। आपको लगता होगा कि ये स्टोन वाटर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड प्लेस है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं। और अभी तो दिखाती हूँ मैं आपको ये कितना बड़ा है। ये है स्टोन वाटर, यहाँ से यू सी वो पूरा जो आपको दिख रहा है वहाँ से वहाँ तक, ये सब स्टोन वाटर है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं। नहाने के लिए तो मुझे ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लिटरली आपको यहाँ पर रेत नहीं दिखेगी, इसीलिए इसे स्टोन वाटर नाम दिया गया है। मैं स्टोन वाटर पहले भी आई हूँ और पहले हम उस इसे स्टोन दिख रहा है आपको ये वाला,
यू सी दिस वन, यहाँ यहाँ पे हम खड़े थे और मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम उस तरफ जाना चाहते थे वहाँ पर, बट उस लोकेशन पे हम नहीं जा पाए क्योंकि पानी तब उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, तो जो वहाँ जाने का रास्ता है ना वो पानी से कवर हो गया था। इसलिए हमें लगा कि वहाँ तक अगर पहुँचना है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोई और रास्ता होगा, बट अब जबकि पानी का लेवल नीचे आ गया है सो आई हैव रियलाइज्ड कि वहाँ जाने का रास्ता यहीं से है। वाओ, बारिश के मौसम में मे बी वो रास्ता बंद हो जाए अगर वाटर लेवल राइज हो जाएगा तो, बट फिलहाल के लिए तो अच्छा है। यू सी, तो यहाँ पर मैं डांस वीडियो शूट कर सकती हूँ बट ये उतना आइडल है मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरा स्टोन है, इस पर मैं डांस करूँगी तो मेरे पैर ही कट जाएंगे यार। बट दिस इज़ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। आई शो यू द 360 एंगल ऑफ दिस प्लेस। Done. मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ वो लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे वहाँ जाना है जहाँ वो खड़ा है, बट यहाँ से पानी आ रहा है बहुत सारा। सो आना तो है बट पानी देखो ना, अरे बाप रे दे, और प्लस मैंने मेरा बैग भी टांगा हुआ है पीछे, गिर पड़ जाऊँगी ना तो ख़त्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। गाइज, ये लोकेशन आपको कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप आना चाहेंगे तो आई विल सजेस्ट यू कि इनका इको रिजॉर्ट है वहाँ पर ही आप रहिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है यहाँ का। और ये